काव्या की शादी के बाद पहला दिन है उसके ससुराल में। पहले जितना मैं रोई हूँ हर सीन में ऑलमोस्ट मेरी आंखें सूजी रहती थी, नॉर्मल रहती ही नहीं थी। हर एक लड़की वैसी बनना चाहती है, सच्ची बताऊँ तो मैं खुद वैसी बनना चाहती हूँ। हाय, तो ये काव्या की शादी के बाद पहला दिन है उसके ससुराल में। एंड मतलब वो अभी जैसा कि काव्या चाहती है कि वो अपना घर भी संभाल सके और अपना इक्वली उसके साथ साथ अपना काम भी बैलेंस कर सके, तो उसके घर में जगराता है, पर किसी काम से बहुत अर्जेंट कुछ हो गया है बाहर तो उसको जाना पड़ता है। एंड वो भी बस बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं कैसे यहाँ पर भी सब संभाल लूँ और कैसे फिर मैं जगराते में भी टाइम पर पहुँच जाऊँ और किसी को कहीं से प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसी में थोड़ा सा अभी फ़िलहाल फंसी हुई है। गाड़ी बंजर हो गई है अब काव्या को और लेट होगा, तो देखते अभी वो क्या करेगी बेचारी। मुझे इतना तरस आता है मैं क्या करूं। हाँ बहुत। हाय, बहुत जितना मैंने अभी शादी से पहले जितना मैं रोई हूँ हर सीन में ऑलमोस्ट मेरी आंखें सूजी रहती थी, नॉर्मल रहती ही नहीं थी, तो मुझे बहुत तरस आता था कि बेचारी के साथ क्या क्या हो रहा है, इतना क्यों परेशान कर रहे हैं सब लोग यार। मुझे बुरा लगता था थोड़ा थोड़ा, बट हाँ मतलब ठीक है। आई थिंक उसका जो पैशन है, जो जितनी पैशनेट है ना, मुझे वो पैशन, वो डेडिकेशन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। वो जितनी मतलब वो काव्या जैसी है ना, मतलब हर एक लड़की वैसी बनना चाहती है, सच्ची बताऊँ तो मैं खुद वैसी बनना चाहती हूँ। सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड, बट या मुझे काव्या बनना है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स है एक्चुअली आगे के भी, जितना हमने पढ़ा है अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में भी। चाहे हम जैसे शूट कर रहे हैं अभी, आज जैसे कल डे शिफ्ट थी, आज नाइट शिफ्ट है, कल डे शिफ्ट फिर से है, तो मतलब बहुत क्या बोलूँ, बहुत थोड़ी मुश्किलों में शूट कर रहे हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। एंड ड्रामा तो मतलब अभी 1000 किलो और, तो बट आप लोग बहुत पसंद करने वाले, क्योंकि मुझे ही मज़ा आ रहा है शूट करने में। थैंक यू।